हेलो गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रदीप सो आज हम अपने जावा लेक्चर की ट्यूटोरियल सीरीज में स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे स्ट्रिंग इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैर वैल्यूज स्ट्रिंग बेसिकली एक तरीके का ऑब्जेक्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज को इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ मैथड्स टू परफॉर्म ऑपरेशन सच एज कम्पेयर कॉन्कैट इक्वल्स स्प्लिट लेंथ रिप्लेस कंपेयर टू इंटर्न सब्स एक्सेट्रास सो सो स्ट्रिंग हमें कई तरह के मेथड्स प्रोवाइड करता है जिनका यूज़ हम लोग बेसिकली कई तरीके के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में कर सकते हैं जैसे कंपेयर करके हम दो स्ट्रिंग कंपेयर कर सकते हैं कॉन्काटिनेशन Con के लिए कॉन्ट मेथड हमें अगर दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना हो दोनों के बीच में कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं तो इक्वल्स मैथड स्प्लिट का यूज़ करके बेसिकली हम दो स्ट्रिंग को तोड़ सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में लेंथ का यूज़ करके हम लोग उस स्ट्रिंग की लेंथ को पता कर सकते हैं कि स्ट्रिंग में कितनी लेंथ जैसे कि हेलो एच ई डबल एल ओ यहाँ पे पाँच आता है फाइव तो ये फाइव रिटर्न करेगा रिप्लेस कंपेयर टू इंटर्न एंड कई तरह के, के मेथड जो कि हमारे स्ट्रिंग में आते हैं देर आर टू वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दो तरीके से हम लोग स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल एंड बाई यूजिंग न्यू की सो स्ट्रिंग स्ट्रिंगलिट्रल्स मतलब यहाँ पे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा का बस यूज करते हैं और स्ट्रिंग एस लिखते हैं इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपनी स्ट्रिंग लिख देते हैं और हमारी स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती है ईच टाइम यू क्रिएट अ स्ट्रिंग लिटल जब जब हम अपनी स्ट्रिंग को लिटल क्रिएट करते हैं द जे वी एम चेक द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल फर्स्ट जेवीएम जो है हमारा सबसे पहले इंस्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल को चेक करता है इफ द स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द पूल अगर वो स्ट्रिंग ऑलरेडी पूल में एग्जिस्ट कर रही है अ रिफरेंस टू द पूल इंस्टेंस इज रिटर्न एक रिफरेंस जो होता है उस पूल के इंस्टेंस का वो रिटर्न आ जाता है इफ द स्ट्रिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन द पूल अगर वो स्ट्रिंग पूल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है अ न्यू स्ट्रिंग इंस्टेंस इज क्रिएटेड एंड प्लेस इन द पूल एक दूसरी स्ट्रिंग हमारी जो नई क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है वो वहाँ पे पूल में क्रिएट होके सेव हो जाती है एंड दूसरा तरीका है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड न्यू कीवर्ड का यूज़ करके भी हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड देन स्ट्रिंग एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉम्पैक्ट के अंदर हम अपनी स्ट्रिंग लिखते हैं इन दिस केस इस जगह पे JVM वी एम विल क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन द नॉर्मल हीप मेमोरी एंड इलिटरल देव विल बी प्लेस्ड इन द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल इस केस में जेवीएम जो होता है एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है नॉर्मल हीप मेमोरी में और एक लिटरल क्रिएट कर देता है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में द वेरिए रिफर टू दब्जेक्ट इन अ हीप जो हमारा वेरियबल एस होता है जो की हम न्यू की वर्ड करके क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे उस ऑब्जेक्ट को रिफर करता है जो की हमारा हीप मेमोरी में है तो चलिए आया प्रैक्टिकली देखते हैं स्ट्रिंग को हम कैसे ऑपरेट करते हैं ये एक मैंने स्ट्रिंग क्लास क्रिएट कर ली है एंड अब यहाँ पे मैं दोनों ही तरीके से अपनी स्ट्रिंग क्रिएट करूंगी सो so, मैंने यहाँ पे दोनों ही तरीके से अपनी स्ट्रिंग क्रिएट कर ली है अब दोनों को प्रिंट करके दिखाती हूँ सो so, जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग जो क्रिएट करी थी इनको मैंने सिस आउट करके प्रिंट किया एंड यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंट हो चुकी हैं अब इनके कुछ कॉमन मेथड्स जो कि मैंने आपको पहले बताए थे वो यूज़ करते हैं So, मैंने यहाँ पे इक्वल्स मेथड का यूज किया है जहां पे मैं कंपेयर कर रही हूँ कि क्या एस वन जो है हमारा एस टू के इक्वल है अगर ये इक्वल होगा तो या ला स्टमेंट प्रिंट हो जाएगा अगर इक्वल नहीं होगा तो या ला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा लेट सी क्या प्रिंट होता है एस वन इज नॉट इक्वल टू एस टू हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है बिकॉज हमारा एस वन हेलो जावा एस टू ट्राई रेव ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है ऑब्वियसली तो हमारे यहाँ पे जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये एस में चला गया और हमारे एस वाले कंडीशन को यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया है अगर हम यहाँ पे अभी दोनों स्ट्रिंग को इक्वल कर दे तो क्या होगा सो so, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अभी अभी यहाँ पे एस और एस दोनों को इक्वल कर दिया एंड हमारा जो ट्रू वाला स्टेटमेंट था वो प्रिंट हो गया कि एस वन इज इक्वल टू एस टू डेट इज ट्रू सो अब हम यहाँ पे एक और मेथड चेक करते हैं स्प्लिट वाला इस स्टेटमेंट का मतलब है कि मैंने यहाँ पे एस वन पे स्प्लिट फंक्शन को लगाया है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस दे दिया है कि जैसे ही इस स्ट्रिंग में इसको स्पेस मिलता है इस स्ट्रिंग को इसे स्प्लिट कर देना है तो इस तरीके से हमारी जो स्ट्रिंग वो स्प्लिट हो जाएगी इस और इस एरे में आके स्टोर हो जाएगी तो उस हिसाब से हमारे जीरो इंडेक्स पे आ, आ, हमारे जीरो इंडेक्स पे हेलो आ जाएगा और वंथ इंडेक्स पे जावा अब प्रिंटर के भी चेक कर लेते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जीरो इंडेक्स की वैल्यू हैलो और वन इंडेक्स की वैल्यू जावा करके जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट में स्टेटमेंट दिया था वो प्रिंट हो गया सो आई होप आपको स्ट्रिंग का लेक्चर्स पसंद आया हो कोई भी और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेगा कमेंट करिएगा एंड दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड किसी भी तरह के मेजर और माइनर डाउट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं जहाँ पर आपके सभी तरह के मेजर डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा पर्सनल इंट्रैक्शन के साथ थैंक यू